अरे यार मोबाइल पूछ रहा है, ठीक है। अरे लाइट नीचे करो संजय। सवाल सर, राज्य को बड़ी सौगात मिल रही है। जब भी कोई केंद्र के बड़े नेता आते हैं, आपने कहा कि गृह मंत्री भी आए थे, तब भी हमें कोई नहीं दिलाया, आज आए हैं तो भी कोई नहीं। आई डी आप लोग थोड़ा नीचे कर लीजिए ना, नहीं दिख रहा है। अरे नीचे करेंगे तो आई डी मंच हो, अनुकंपा के आधार पर राज्य सरकार को निमंत्रण मिला हो, ये थोड़ा कहीं ना कहीं नहीं चाहते हुए करने वाली मन। इसको बोलो ना थोड़ा सा, शांत रहिए, शांत रहिए। सर कैसा रहा बजट सत्र ये पूरा, ओवरऑल क्या कहेंगे? अब इसके आकलन आप लोग कीजिए, पत्रकार लोग करेंगे, छपेगा भी कल परसों से जो भी छपेगा। हर प्रयास हुआ कि इनका एक एक सवाल का जवाब दिया जाए, लेकिन जब लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर के अंदर ही बहुत उथल पुथल मच रहा हो तो राज्य कैसे छुते रहेंगे, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो उसके अनुरूप हमारे विपक्षों ने आज यहाँ पर विगत पूरे सत्र काल में जो काम किया है वो भी राज्य के लोगों ने देखा, और संजय तुम नजदीक घुस गए जो चीज़ों को इन लोगों ने बरसों तक अपने पैरों तले दबा रखा था। एक हाथ से मोबाइल निकालो जी, बंद कर, और उसे धरातल पे आने से रोकने का प्रयास होता रहा तो सभी चीज़ें बाहर आ गई। राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई, आपने भी सदन में कहा लोकतंत्र की आवाज़ को बंद करने रोकने। ऐसे निर्णय, ऐसी आदेश हमारे राज्य ने भी देखा, जहाँ सत्ता पक्ष के लोग इस रास्ता चले जाती हैं, विपक्ष के लोग इस रास्ता नहीं जाते। तो मुझे कह सकता है कि जो मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में पहली बार एक पब्लिक रेगुलेटरी एक्ट को एक इस तरीके का निर्णय, और वो भी राहुल गांधी जी के विरोध में, ये निर्णय अपने आप में कई सवाल लेके आ रहा था, और उस सवाल पर चर्चाएं भी हो रही है। मुझे लगता है कि राजनीतिक मंचों पर ये बात सिर्फ इस तरीके की बातें सिर्फ राहुल गांधी जी के ही मंच से नहीं, बल्कि विपक्ष के कई लोगों के मंचों से आई हैं, अनगिनत लोगों के मंचों से आई हैं, और आने वाला समय में आएंगे। अब उस समय क्या होगा देखेंगे। झारखंड की आवाज़ YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज़।